Hello guys, I'm Vishali Kikan from Dopamine and we are discussing VLSI technology. In VLSI technology, हम लोग discuss कर रहे हैं chemical mechanical polishing जो कि है CMP और आज इस video में हम discuss करेंगे CMP के basics. So again, very important video और अगर अभी तक आपने last videos नहीं देखी हैं जहाँ पर हमने CMP का बहुत detailed analysis already कर लिया है तो जाइए देखाइए हमने देख लिया CMP होता क्या है इसकी hardware requirements क्या हैं slurries क्या होता है इसकी नेसेसिटी क्या है एडवांटेजेस क्या है एप्लीकेशंस क्या है राइट सो ऑल ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. अभी बेसिक्स पर आते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो यहाँ बेसिक्स में हम डिस्कस करेंगे रिमूवल रेट यूनिफॉर्मिटी सिलेक्टिविटी एंड डिफेक्ट्स. सो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो रिमूवल रेट, व्हाट इज द रिमूवल रेट? सो मैकेनिकल रिमूवल रेट इज डिनोटेड बाय आर. राइट, R जो है डिनोट करता है रिमूवल रेट को. प्रिस्टन ने फाउंड आउट किया था, प्रिस्टन ने एक इक्वेशन दी थी जिसे प्रिस्टन इक्वेशन बोलते हैं जिसमें R होता है KP into P into OV. Now this OV is the relative velocity of wafer and pad, right? So ये जो OV बताता है वेफर और पैड के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है. वेफर और पैड में दोनों आपस में एक दूसरे से मोशन में रहते हैं, राइट. इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दैट इज OV. P is the polishing pressure and KP is the piston coefficient, right? तो इन तीन चीजों से हम removal rate को निकाल सकते हैं. जो piston equation है, it works very well for the bulk film polishing process. Bulk film polishing process करते हैं तो उसमें piston equation से removal rate बड़ा ही accurately हम determine कर सकते हैं, right? जो protruding portion होते हैं rough surface के ऊपर, वहाँ पर ज़्यादा polishing pressure लगाया जाता है. जो protruding portion रहते हैं rough surface के ऊपर वहां पर पैड क्या करता है, ज्यादा पॉलिशिंग प्रेशर लगाता है और रिमूवल रेट प्रोट्यूडिंग पोर्शन का क्या रहता है, हायर. ऑब्वियस है ये चीज. तो ये हमारे पास पैड है, ये हमारे पास वेफर है. वेफर का ये जो प्रोट्यूडिंग पोर्शन है, यहाँ पर ये जो पैड कांटेक्ट में आएगा तो इस एरिया पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, राइट. इससे क्या होएगा, सरफेस की टोपोलॉजी रिमूव होती है और सरफेस प्लेनराइज हो जाता है, राइट. तो आप देख पा रहे हैं जो प्रोट्यूडिंग पार्ट रहेंगे उस पर हायर प्रेशर कैसे लगेगा, पॉलिशिंग पैड है. अभी जो प्रोट्यूडिंग पार्ट है, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी कॉन्टेक्ट में आता है पॉलिशिंग पैड के, तो यहाँ पर पॉलिशिंग पैड के मूवमेंट से यहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है. बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं है तो यहाँ पर रिमूवल नहीं रहेगा. यहाँ पर हाई प्रेशर है तो फास्ट रिमूवल रहेगा, जिससे क्या होगा कि ये एरिया जल्दी रिमूव हो जाएगा और ये एरिया एज इट इज रहेगा, राइट. सो हमारे पास जो सरफेस है उसमें से जो रफनेस है वो रिमूव हो जाएगी, सरफेस प्लेन बन जाएगा, राइट. सो जो थिकनेस है यहाँ पर, जो थिकनेस का जो डिफरेंस आता है बिफोर एंड आफ्टर सीएमपी, इट इज डिवाइडेड बाय द सीएमपी टाइम, राइट. तो थिकनेस आफ्टर सीएमपी माइनस थिकनेस बिफोर सीएमपी, राइट. सो थिकनेस और उल्टा भी कर सकते हैं, इससे रिमूवल रेट जो है नेगेटिव में आएगा. थिकनेस बिफोर सीएमपी माइनस थिकनेस आफ्टर सीएमपी डिवाइडेड बाय द टाइम, राइट. तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा रिमूवल रेट का. तो आप थिकनेस का जो वेरिएशन है उनको सब्ट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे को रिमूवल रेट मिल जाएगा, राइट. इट विल गिव मी द मल्टीपल मेजरमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी. मल्टीपल मेजरमेंट देगा यूनिफॉर्मिटी के, राइट, की एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यूनिफॉर्मिटी कितनी है, पर्टिकुलर टाइम के बाद उससे पहले यूनिफॉर्मिटी कितनी है, राइट. हमारे पास एक टेस्ट वेफर रहेगा, ब्लैंकेट फिल्म रहेगी और डेली टूल क्वालिफिकेशन हमें करना पड़ेगा. कमिंग टू द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, सरफेस पर ये हमारा वेफर सरफेस है, वेफर सरफेस के ऊपर यहाँ पर थिकनेस कितनी है, यहाँ पर थिकनेस कितनी है, यहाँ पर थिकनेस कितनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. तो आप देख पा रहे हैं हर एरिया पे थिकनेस चेंज है. बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास ऐसा वेफर हो तो यहाँ पर जो थिकनेस है वेफर की बहुत ज्यादा सिमिलर है, राइट. तो हम ये कैसे मेजर करते हैं, अब ये वाला वेफर नॉन यूनिफॉर्म है कंपेयर टू दिस वेफर. तो अब अगर मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स लिए, मैंने ये पॉइंट लिया और सिर्फ ये पॉइंट लिया, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, राइट. और इस केस में भी अगर हमने दो ही पॉइंट लिए तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों वेफर सेम है यूनिफॉर्मिटी में, बट एक्चुअल में क्या है, ये यूनिफॉर्मिटी में सेम नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पॉइंट्स पर थिकनेस को मेजर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर यूजुअली 49.3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज होता है एज अ डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी. ये 49.3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्रोसेस क्वालिफिकेशन के लिए हम इसी मेथड को यूज करते हैं, राइट. थिकनेस जो फिल्म की थिकनेस है बिफोर और आफ्टर सीएमपी प्रोसेस में जितना चेंजेस आया है थिकनेस में वो मॉनिटर की जाती है,
राइट प्रोडक्शन वेफर में यूनिफॉर्मिटी आफ्टर द सीएमपी प्रोसेस मॉनिटर की जाती है, नॉर्मली 19 टू 13 पॉइंट मेजरमेंट हम लेते हैं, राइट दोनों विद इन द वेफर और वेफर टू वेफर यूनिफॉर्मिटी अफेक्ट होती है पॉलिशिंग पैड की कंडीशन से, डाउनवर्ड फोर्स प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से, कितना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना डाउनवर्ड फोर्स है और कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रेशर, रिलेटिव स्पीड ऑफ पैड एंड द वेफर, रिस्ट्रेनिंग रिंग पोजीशन, रिस्ट्रेनिंग रिंग की पोजीशन कहाँ पर है उससे भी हमारा यूनिफॉर्मिटी अफेक्ट होता है, शेप ऑफ द वेफर, वेफर का शेप क्या है उससे भी यूनिफॉर्मिटी अफेक्ट होता है। अगर हम हार्डर पैड और लोअर प्रेशर को यूज करते हैं तो हमारे पास गुड ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी अचीव की जा सकती है। अगर लोअर प्रेशर लोअर रिमूवल रेट रहता है तो यहाँ पर थ्रूपुट भी अफेक्ट होता है, लोअर प्रेशर से रिमूवल रेट भी लोअर है और थ्रूपुट भी अफेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ रिमूवल रेट ऑफ डिफरेंट मटीरियल, राइट, कि अगर एक पर्टिकुलर स्लरी से एक मटीरियल रिमूव होता है, राइट, ऑक्साइड अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इस स्लरी से मेटल रिमूव नहीं होना चाहिए, तो एक डिफरेंट मटेरियल है तो उस डिफरेंट मटेरियल एक पर्टिकुलर स्लरी से रिमूव ना हो, सो दिस इज सिलेक्टिविटी। अब सीएमपी में सिलेक्टिविटी से जो डिफेक्ट है वो अफेक्ट होते हैं, इरोजन और डिशिंग इफेक्ट आ सकता है, राइट, जो स्लरी है उसकी जो केमिस्ट्री है वो प्राइमरी फैक्टर है जिससे कि रिमूवल सिलेक्टिविटी अफेक्ट होती है। अब स्लरी हमने कौन सी यूज करी है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने एक पर्टिकुलर स्लरी यूज करी है उस पर्टिकुलर स्लरी से सीएमपी प्रोसेस अफेक्ट होती है, राइट। शैलो ट्रेंच आइसोलेशन से ऑक्साइड जो हम बनाते हैं यहाँ पर जो सीएमपी हम यूज करते हैं, राइट, शैलो ट्रेंच ऑक्साइड के लिए जो हम सीएमपी यूज करते हैं यहाँ पर हायर ऑक्साइड टू नाइट्राइड सिलेक्टिविटी चाहिए होती है। अब शैलो ट्रेंच ऑक्साइड को प्लेनर करना है तो 100:1, 300:1 ऑक्साइड इज टू नाइट्राइड सिलेक्टिविटी चाहिए होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ ऑक्साइड को पॉलिश करना है, राइट, सिलेक्टिविटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्री मेटेलिक डायलेक्ट्रिक एंड आईएमडी सीएमपी प्रोसेस, बट जब हम शैलो ट्रेंच आइसोलेशन की बात कर रहे हैं तो सिलेक्टिविटी बिकम्स अ मेजर फैक्टर, 100:1 टू 300:1 की सिलेक्टिविटी चाहिए होती है, वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीएमडी एंड आईएमडी सिलेक्टिविटी इज नॉट अ मेजर फैक्टर। टंगस्टन सीएमपी प्रोसेस के लिए सिलेक्टिविटी टू ऑक्साइड एंड टाइटेनियम नाइट्राइड अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टंगस्टन की सीएमपी करनी है तो ऑक्साइड की सीएमपी नहीं होनी चाहिए, टाइटेनियम नाइट्राइड की नहीं होनी चाहिए। टंगस्टन टू टीईओएस ऑक्साइड सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 50 to 200 होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लरी की जो केमिस्ट्री होती है, जो ऑक्सीडेंट होते हैं, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टंगस्टन सीएमपी प्रोसेस के लिए। सिलेक्टिविटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू पैटर्न डेंसिटी, पैटर्न की डेंसिटी कैसी है उस पर भी सिलेक्टिविटी डिपेंड रहेगा, जितना पैटर्न की डेंसिटी ज्यादा रहेगी उतना रिमूवल सिलेक्टिविटी रहेगा, राइट, अगर पैटर्न की डेंसिटी कुछ ऐसी है, राइट, अगर पैटर्न कुछ ऐसा है तो उतना ही लोअर रहेगा रिमूवल सिलेक्टिविटी, अगर पैटर्न कुछ ऐसा है, राइट, तो रिमूवल सिलेक्टिविटी बेटर हो जाएगा, यहाँ पर इससे इरोजन होएगा टंगस्टन का और ऑक्साइड फिल्म का। नाउ कमिंग टू द इरोजन कॉज्ड बाय हाई पैटर्न डेंसिटी, जो ज्यादा पैटर्न की डेंसिटी है यहाँ पर इरोजन आ जाता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में टंगस्टन की डेंसिटी और ऑक्साइड की डेंसिटी एंड टंगस्टन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर इरोजन क्रिएट हो गया है, यहाँ पर इस एरिया में टंगस्टन और ऑक्साइड की डेंसिटी कम है, राइट, सो जो आईएसी का डिजाइन लेआउट है इससे इरोजन प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आ जाती है, राइट, आईएसी का डिजाइन लेआउट डायरेक्टली कैन अफेक्ट इरोजन प्रॉब्लम, राइट, ओपनिंग एरिया को अगर हम लेस देन 30% ऑफ द चिप सरफेस रखें इट कैन हेल्प टू सॉल्व द इरोजन प्रॉब्लम, राइट, जो डिजाइन का ओपनिंग एरिया है वो 30% ऑफ द चिप सरफेस एरिया से कम रहेगा तो इससे इरोजन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Now coming to the defects, again a very important part for the understanding of the CMP, right, CMP से जो defects है वो remove होते हैं और yield improve होती है, जब भी defects remove होएंगे yield improve हो जाएगी, but CMP से कुछ नए defects भी आ जाते हैं जैसे कि scratches आ सकते हैं, residual slurries रह जाती हैं, particles आ जाते हैं, erosion आ जाता है या dishing effect आ जाता है, अगर हमारे जो foreign particles वो है वो large है, right, hard polishing pad use करा है हमने तो उस case में हमारे पास scratches आ जाते हैं, right, जो tungsten है वो scratches को fill करता है, right, in the oxide surface and it can cause शॉर्ट सर्किट, जो टंगस्टन है ऑक्साइड सरफेस के अंदर स्क्रैचेस को फिल कर देगा
और शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देगा, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होते ही आईसी की यील्ड खराब हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो एक इम्प्रॉपर डाउनवर्ड फोर्स की वजह से भी आ सकते हैं। जो पैड है अगर वो वॉर्न एंड टॉर्न है, बेकार कंडीशन में है जो पैड, उसकी वजह से भी डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। इनएडिक्युएट पैड कंडीशनिंग है, पैड कंडीशनिंग अच्छे से हमने प्रोवाइड नहीं करवा रखे तो भी डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। पार्टिकल सरफेस अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर स्लरी ड्राई हो रही है, तो ड्राई स्लरी को अगर हमने यूज कर लिया है तो भी डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। स्लरी के जो रेजिड्यू है वो वेफर सरफेस पे कभी कभी रुक जाते हैं, कंटेमिनेशन क्रिएट कर देते हैं। पोस्ट सीएमपी क्लीन अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट सीएमपी क्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि स्लरी रिमूव हो जाए, स्लरी के जो रेजिड्यू है वो रिमूव हो जाए और प्रोसेस यील्ड इंक्रीज हो जाए। कमिंग टू द इरोजन, इरोजन से जो डेप्थ ऑफ वाया होल्स है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट, और वाया होल्स एचिंग इनकम्प्लीट रह जाती है, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक ओपन लूप रह जाती है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स इन द नेक्स्ट डुअल डेमासिन्स इंटरकनेक्शन। डुअल डेमासिन्स इंटरकनेक्शन में ओपन लूप रह जाता है, जैसा कि आप इस सर्किट में देख पा रहे हैं, विच इज सर्किट ओपनिंग। यहाँ पर डुअल डेमासिन्स के बाद ओपन कॉज हो गया, यहाँ पर कॉपर और टंगस्टन कनेक्टेड नहीं है, राइट। आप अच्छे से देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉपर और टंगस्टन में बीच में ओपनिंग क्रिएट हो गई है, विच इज अ ओपन कॉज्ड बाय इरोजन। कमिंग टू द डिशिंग इफेक्ट, डिशिंग इफेक्ट क्या होता है? इट हैपन्स एट अ लार्जर ओपनिंग एरिया। जब ओपनिंग एरिया ज्यादा होता है तो डिशिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास लार्जर मेटल बेड्स होते हैं, शैलो ट्रेंच आइसोलेशन का जो ऑक्साइड होता है वो ट्रेंचेस में चला जाता है, राइट। यहाँ पर ज्यादा मटेरियल्स रिमूव होते हैं फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से ज्यादा मटेरियल्स रिमूव हुए तो कुछ ऐसा डिश जैसा इफेक्ट आ जाता है, क्रॉस सेक्शन लुक्स लाइक अ डिश, तो इसे हम डिशिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं टंगस्टन ज्यादा सेंटर से रिमूव हो गया है तो ये डिशिंग इफेक्ट हो गया है, राइट। नाउ कमिंग टू द डिशिंग इरोजन और सिलेक्टिविटी, जो डिशिंग है और इरोजन है दोनों से सिलेक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेना देना है, राइट। सिलेक्टिविटी से दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं, राइट। अगर मैं टंगस्टन सीएमपी प्रोसेस की बात करूं तो टंगस्टन और ऑक्साइड सिलेक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो टंगस्टन रिमूवल ज्यादा होएगा, डिशिंग और रिसेसिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा, राइट। सिलेक्टिविटी अगर ज्यादा नहीं है, टंगस्टन टू ऑक्साइड सिलेक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो ऑक्साइड भी साथ में पॉलिश हो जाएगा और जिससे इरोजन प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर हमें सिलेक्टिविटी लेनी है तो उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, टंगस्टन टू ऑक्साइड सिलेक्टिविटी को हमें बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, राइट। जो ऑक्साइड सीएमपी विद हाई सिलेक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड टू नाइट्राइड करेंगे, अगर ऑक्साइड सीएमपी करी और सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा ले ली ऑक्साइड टू नाइट्राइड, इससे क्या होगा, ऑक्साइड का डिशिंग इफेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग ऑक्साइड ओवर पॉलिशिंग स्टेप ऑफ ऑक्साइड सीएमपी। तो ऑक्साइड में भी डिशिंग इफेक्ट आ जाएगा जब भी हम शैलो ट्रेंच आइसोलेशन जनरेट कर रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं डिशिंग इफेक्ट ऑफ शैलो ट्रेंच आइसोलेशन अंडोप सिलिकेट ग्लास। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैड ऑक्साइड है, नाइट्राइड लेयर है, नाइट्राइड लेयर से हमें ऑक्साइड लेयर को सेम लेवल पर लाना था, तो हमने क्या करा, एक स्लरी यूज करा, बट स्लरी का जो सिलेक्टिविटी था नाइट्राइड इज टू ऑक्साइड बहुत ज्यादा था, तो नाइट्राइड तो रिमूव नहीं हुआ बट ऑक्साइड यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंटर से रिमूव हो गया, डिशिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ कमिंग टू द पार्टिकल्स एंड डिफेक्ट्स, पार्टिकल एंड डिफेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्टिकल और डिफेक्ट्स हैं उससे इररेगुलर टोपोग्राफी वेफर सरफेस के ऊपर बन जाती है, इंसिडेंट लाइट को स्कैटर कर देते हैं ये पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को मॉनिटर करना और डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करना लाइट स्कैटरिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप देख पा रहे हैं पार्टिकल डिटेक्शन बाय लाइट स्कैटरिंग, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट लाइट यहाँ पर सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं और पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को डिफ्लेक्ट करता है, राइट। जैसे ही पार्टिकल के ऊपर लाइट जा रही है, लाइट अगर हमारे सरफेस के ऊपर जा रही है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ जनरेट होगी, वेर एज इफ द लाइट इज कमिंग ऑन दिस पार्टिकल, तो पार्टिकल से फोटो डिटेक्टर के पास चली जाएगी एंड वी कैन डिटेक्ट। तो अब इसके ऊपर हमारे पास एक सिस्टम भी है, हम उस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो बहुत ही वीक रहती है, राइट, स्कैटर्ड लाइट इज वेरी वीक। अब इस पार्टिकल से जो लाइट स्कैटर हुई, आप देख पा रहे हैं पार्टिकल की वजह से जो स्कैटर्ड लाइट है बहुत सारी डायरेक्शन में गई है और फोटो डिटेक्टर को ये स्कैटर्ड लाइट को
मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर हम एलिप्टिकल मिरर यूज करते हैं जिससे कि लाइट, स्कैटर्ड लाइट क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है, और एलिप्टिकल मिरर के यहाँ पर हम एलिप्टिकल मिरर यूज करेंगे जिसके दो फोकस रहेंगे, वो सारी लाइट को फोटो डिटेक्टर के पास प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इसके दो फोकस रहते हैं, लाइट फ्रॉम वन फोकस रिफ्लेक्ट टू अनदर फोकस, एक फोकस से लाइट क्या करेगी दूसरे फोकस पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नाउ कमिंग टू द पार्टिकल मेजरमेंट, अब कितने पार्टिकल्स हैं जिन्होंने कॉन्टेमिनेट करा है सर्फेस को, कितने पार्टिकल्स सर्फेस के ऊपर थे, तो उनको मेजर करना, हाउ मेनी पार्टिकल्स हैव कॉन्टेमिनेटेड, एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, दस पार्टिकल है, उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लेजर बीम स्कैन करते हैं। लेजर बीम क्या करती है, वेफर सर्फेस को वर्टिकली स्कैन करती है, राइट। एलिप्टिकल मिरर के एक फोकस पर वेफर रहता है और दूसरे फोकस पर फोटो डिटेक्टर को हम रखते हैं, राइट। वेफर क्या करता है, मूवमेंट मोशन में रहता है, और स्कैटर्ड लाइट के जो स्कैटर्ड लाइट रहती है, स्कैटर्ड लाइट की जो बीम रहती है, रे रहती है, वो कलेक्ट करी जाती है फोटो डिटेक्टर पे, जिससे टाइनी पार्टिकल्स या डिफेक्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं, राइट। और हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने डिफेक्ट्स हैं या कितने टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स को, डिफेक्ट्स को मैप कर सकते हैं लोकेशंस पर ऑन द वेफर सर्फेस। तो आप देख पा रहे हैं लेजर स्कैन, तो लेजर स्कैन में आप देख पा रहे हैं ये वेफर है, राइट, ये एलिप्टिकल मिरर है, एक एलिप्टिकल मिरर पर हमने वेफर, एलिप्टिकल मिरर के फोकस पर हमने वेफर को प्लेस करा है, और इस फोकस पे फोटो डिटेक्टर को प्लेस करा है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास लेजर लाइट है, लेजर लाइट से क्या हो रहा है, यहाँ पर लेजर बीम स्कैन हो रही है, राइट। सो यू कैन सी द लेजर बीम इज स्कैनिंग ओवर हियर, राइट। इसके बाद क्या करा हमने, वेफर को मूव करवाया, और जैसे ही लेजर लाइट पार्टिकल पर गई, वो एलिप्टिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोटो डिटेक्टर पे जाएगी, ये लाइट स्कैटर होएगी, स्कैटर्ड लाइट रिफ्लेक्ट होएगी फोटो डिटेक्टर पर, कलेक्ट हो जाएगी, और फोटो डिटेक्टर मेजरमेंट दे देगा, राइट। अगेन हमने फिर से वेफर को मूव कराया, नो लाइट ऑन फोटो डिटेक्टर, अगेन वेफर मूव हो रहा है, अगेन लाइट ऑन फोटो डिटेक्टर, विच मीन्स पार्टिकल नंबर टू इज देयर, अगेन सो देयर इज नो पार्टिकल्स आफ्टर दैट। तो फोटो डिटेक्टर पे जितनी बार लाइट कलेक्ट होगी उतनी बार हमें पता लग जाएगा कि इतने पार्टिकल्स ने कंटेमिनेट करा है वेफर को। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर ये सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। दीज आर द वेरी अमेजिंग बुक्स विच आर रेफरेंसेज, एंड आई होप आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहाँ पर आपको इस सेशन का और बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स के भी नोट्स प्रोवाइड हैं। इस सेशन के अगर आपको पीपीटीज चाहिए तो मोबाइल ऐप में चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। सो गिव अस योर फीडबैक, दैट इज मच डिजायरेबल, एंड मीट अस सून द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।